अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। एज टुडे इज 17th July 2020 एंड टुडे इज फ्राइडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इट्स योर साइंस लेक्चर। टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इट्स अ चैप्टर नंबर 12 हुज नेम इज़ स्पेस एंड सैटेलाइट्स। टुडे वी स्टडी ओनली वन पेज, विच इज़ द पेज नंबर 122। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द फिजिक्स ब्रांच। So first of all, take your sharpened pencils and also take out the page number 122 of your science books. And it's a new chapter. Its name is the space and satellites. इसका आप meaning लिख लेंगे, खला और सैयारे। Space means खला, satellites means सैयारे। इस chapter में हम बहुत से ऐसे interesting facts पढ़ेंगे, उन interesting facts के बारे में जानेंगे, उन planets के बारे में, satellites के बारे में, जिनके बारे में हम already नहीं जानते थे। So do you know that our star, sun, moon, the earth and all planets, all satellites are called heavenly bodies। यानी कि हमारे पास space में जो तमाम sun, चाँद, ज़मीन, सैयारों वगैरह को तमाम को हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। या आपके पास डेफिनेशन भी आ सकती है तो आप इसको हाईलाइट भी कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, इसके अलावा यूनिवर्स को भी हाईलाइट कर लें। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हेवनली बॉडीज़ एंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स का आप मीनिंग लिख लेंगे यहाँ पर कायनात। द हेवनली बॉडीज़ आर मूविंग इन अन इमेजिनेबल वास्ट स्पेस विच इज़ कॉल्ड द यूनिवर्स। इनके तमाम के तमाम जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो अर्थ हैं, ये प्लैनेट्स हैं, जो सन है, ये ऑब्वियसली हमारा जो सोलर सिस्टम का जो मेन जो सेंट्रल पार्ट है, दैट वन इज़ द सन। उसी के गिर्द तमाम जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, जो तमाम सैटेलाइट्स हैं, ये क्या है, रिवॉल्व आउट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। द सन, द प्लैनेट एंड देयर मून्स आर द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम, बट एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर द सिमिलर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे आपने फिफ्थ तक जो है ये आपने पढ़ा होगा, सन के बारे में पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम के, उसके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, प्लैनेट्स के आपने नेम पढ़े हैं, बट दीज टू टर्म्स आर द न्यू वन टर्म्स, विच वन इज़ द एस्ट्रॉइड्स एंड द कॉमेट्स। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में जो ये दोनों ये टर्म्स हैं, ये भी हमारे पास, ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स में ही आते हैं। और इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम के अदर मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे पास सोलर सिस्टम में जस्ट प्लैनेट्स नहीं होते, या प्लैनेट्स में जस्ट अर्थ नहीं है, या जस्ट मून नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ये बहुत वास्ट स्पेस है। इसमें बहुत से ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी नहीं जानते। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन टॉपिक जो है वो हमारे पास है सैटेलाइट्स एंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। यानी कि वो कोई भी ऐसी बॉडी, ऐसा फल्के जिसम जो कि किसी भी प्लैनेट, किसी भी सियारे के गिर्द जो है वो हरकत करता है, मूव करता है, मदार में हरकत कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड एज वी नो दैट एंड द ऑर्बिट्स द अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव देयर ऑन सैटेलाइट्स टू। यानी कि इनके भी अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, मीन्स दे आर ऑल्सो हैविंग सम मून्स विच ऑर्बिट्स अबाउट दैम। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल सैटेलाइट्स, कुदरती सियारे। बिसाइड मून्स ऑफ द प्लैनेट सन, अदर नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो मूविंग अराउंड द सन। दीज आर द एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स। सम ऑफ देम कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। उनमें से कुछ जो हमारे पास जो ऐसे जो होते हैं सैटेलाइट्स होते हैं, जिनसे हम अर्थ से भी देख सकते हैं, इन्हें अर्थ से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रॉइड्स है, ये न्यू टर्म है। मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड्स बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इट्स अ पीस ऑफ रॉक, ये एक चट्टान का एक ऐसा टुकड़ा है दैट ऑर्बिट द सन बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। इसकी स्पेसिफिक स्पेस है, यानी कि सोलर सिस्टम में ये मार्स और जुपिटर के दरमियान में जो है ये एस्ट्रॉइड जो है ये ऑर्बिट कर रहा होता है। द एस्ट्रोनोमर का आप मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे माहिर फल्कियात। एस्ट्रोनोमर माहिर फल्कियात हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ एस्ट्रॉइड्स। यानी कि एस्ट्रोनोमर ने विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, जो उनके स्पेस स्टेशन हैं, वहाँ से उन्होंने बहुत हज़ारों तादाद में एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो डिस्कवर्ड किए हैं। एस्ट्रॉइड्स आर मेड ऑफ रॉक, मैटर्स और मिनरल्स। मिनरल्स का मीनिंग है कि मादनियात। बेसिकली किससे बने होते हैं, या चट्टानों से, मैटर्स से बने होते हैं, धातों से, और इनमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स में। मोस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट, ऑर्बिट का मीनिंग है मदार द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर इन अ वाइड बैंड। यानी कि एक चौड़ी पट्टी में मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है वो स्पेसिफिक मे में जो है ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। दिस बैंड इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बैंड। उस बैंड जो, उस वाइड पट्टी को, उस वाइड बैंड को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से, हम उसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट का नाम देते हैं।
The asteroid belt is about the 1500,000 kilometer wide. यानी कि कितनी चौड़ी होती है 1500,000. Asteroid come in all shapes and sizes. यानी कि तमाम shapes में भी आ सकते हैं और तमाम sizes में भी ये पाए जाते हैं asteroids जो हैं. Some asteroids have diameter. Diameter का मैं लिखेंगे आप कुतर up to 1000 kilometer. But some are very small in diameter. यानी कि different shapes में होते हैं. बड़े से बड़े भी उनका large size हो सकता है और छोटे छोटे सा भी इनका size हो सकता है. अब यहाँ पे आपको साइड की पिक में आपको एक व्यू दिखाया गया है एस्ट्रॉयड बेल्ट का जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान है. यानी कि आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यहाँ पे रॉक्स और मेटल्स के जो टुकड़े होते हैं जो पीसेस के फॉर्म में इस एस्ट्रॉयड बेल्ट को आपको शो किया गया है यहाँ पे. तो आज का जो आपका जो लेक्चर था वो आज का आप वन पेज का ही था. इसके एंड में आप आज की डेट पुट करेंगे टुडे 17/7/2020 और यहाँ पे लर्न द CW लिखना नहीं भूलेंगे. सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जो लेक्चर है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. सो हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़.